पाटिल, आपका भगवत गीता न्यू सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे 6वां अध्याय और 9वां श्लोक, वो है सुहृन्मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की परिभाषा समझाते हुए कहते हैं कि योगी कैसा होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं सुहृन्मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु। सुहृत् मतलब अच्छा स्वभाव वाला, मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु किसके साथ अच्छा स्वभाव करता है। मित्र शत्रु मध्यस्थ को वो अपना दोस्त मानता है। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते, वो साधु और पापी के बीच में जज नहीं करता। वो सोचता है कि साधु अपने कर्मों की वजह से अच्छा है और पापी अपने कर्मों की वजह से बुरा है। तो मैं आपको इस श्लोक को इजी में कर देती हूँ। सुहृन् मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, बड़ा शब्द है, ध्यान देके सीखिए। सुहृन् मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि समबुद्धि विशिष्यते। तो हमारा पूरा श्लोक हो गया। सुहृन् मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। हम इस श्लोक का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। सुहृन् मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। इससे हमें ये सीख मिलती है और श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि योगी कैसा होता है। योगी मित्र शत्रु मध्यस्थों को अपना दोस्त मानता है और साधु और पापी के बीच में जज नहीं करता। हरे कृष्णा।